चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से जिसका आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्वेंटी थर्ड क्या लिखा है क्वेश्चन में क्लाउड स्ट्रॉम एंड रीन वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो फाइव थ्री टू ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे डिसाइड टू डिजॉल्व द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन और विच डेट द फर्म बैलेंस शीट वॉज एज अंडर ठीक है तीन पार्टनर है क्लाउड स्ट्रॉम एंड रेन और प्रोफेशनल रिशो दी है फाइव थ्री टू की उनकी ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गए हैं कोई बोल रहा है ये करना है कोई बोल रहा है ये करना है इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं अपना अपना काम करो जिसको जो पसंद है वो करो पार्टनरशिप में एक साथ नहीं चला जाएगा ठीक है डेट कितनी है फर्स्ट अप्रैल टू की बैलेंस शीट दी है जिस डेट को वो डिजॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म ओके और नीचे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन पॉइंट बाय पॉइंट हमें सारा कुछ बताया है रिलेशन वगैरह और जो भी रिक्वायर्ड है आपको कैलकुलेशन करने के लिए और उसके बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसन एंड शोइंग द फाइनल पेमेंट टू दैम मीन सभी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे कितनी उनको फाइनल पेमेंट जानी है वो भी पूछा है और रिलेशन अकाउंट बनाने को बोला है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है तो बैंक अकाउंट तो फिर बनाना ही पड़ेगा ठीक है तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से प्रपेयर रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ठीक है सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज दिए हुए हैं देन करंट अकाउंट के बैलेंसेज दिए हुए हैं जो दोनों के दोनों हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और लास्ट में हमें दिया हुआ है संड्री ग्राइटर ये हमारे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ठीक है तो चलिए डालते हैं इनको रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट साइड तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय सेंडरी क्रेडिटर्स कितने के हैं वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अमाउंट डाल दीजिए वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओके नेक्स्ट हमारे पास एसेट साइड हैं जो एसेट्स वो सभी अभी ट्रांसफर कर लेते हैं पहला एसेट्स है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 80,000 थाउजेंड का तो लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एटी उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर फोर्टी फाइव थाउजेंड का तो उसको डाल दीजिए टू फर्नीचर एंड फिक्चर फोर्टी फाइव फिर है मोटर कार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की फिर उसे डाल दीजिए टू मोटर कार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है नेक्स्ट आइटम हमारे पास स्टॉक एंड ट्रेड थर्टी uh, थाउजेंड का है तो ये भी डालिए रिलेशन कौन की डेबिट साइड ही लिखिए टू स्टॉक एंड ट्रेड थर्टी थाउजेंड ओके उसके बाद है संड्री डेटर सेवेंटी वन थाउजेंड के ये भी डेबिट साइड जाएगा तो लिखिए टू संड्री डेटर्स सेवेंटी वन थाउजेंट ओके और नेक्स्ट है हमारे पास कैश एट बैंक फोर्टीन थाउजेंड ये हमारा बैलेंस ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा और नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास रेंज करंट अकाउंट थ्री थाउजेंड का ये भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है लिखा है कि प्लांट कॉस्टिंग फोर्टी थाउजेंड वाज टेकन ओवर बाय क्लाउड एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड द रिमेनिंग मशीनरी डिली इज रिलाइज्ड फिफ्टी थाउजेंड तो आदि मशीनरी बेच दी है प्लांट टेक ओवर कर लिया है क्लाउड ने ठीक है तो चलिए फिर पहले डाल देते हैं क्लाउड की कैपिटल के साथ तो लिखिए बाय क्लाउड कैपिटल अकाउंट और डैश लगाकर लिख दीजिए प्लांट फोर्टी फाइव थाउजेंड ओके एंड उसके नीचे ही लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट डैश लगाकर लिख दीजिए मशीनरी कितना कितने का रिलीज रिलाइज हुआ है फिफ्टी थाउजेंड की ठीक है आ, जितने भी आ, थी हमारी उतनी फिफ्टी थाउजेंड में रिलाइज हुई है तो वो डाल दीजिए फिफ्टी थाउजेंड ओके नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सरलाइज फोर्टी थाउजेंड के अब फर्नीचर एंड रिलाइज किया हमने फोर्टी थाउजेंड का तो वो भी बैंक के नीचे लिख दीजिए डैश लगाकर फर्नीचर एंड फिक्सर फोर्टी और नेक्स्ट है मोटर कार वाज टेकन ओवर बाय स्ट्रॉम फोर थर्टी थाउजेंड अब था। मोटर कार भी टेक ओवर कर ली है हमारे नेक्स्ट पार्टनर ने तो थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिख दीजिए बाय स्ट्रॉम द कैपिटल काउंट का कर लिख दीजिए मोटर कार थर्टी था। बिकॉज अभी सभी एसेट रिलाइज नहीं हुए तो बैंक में कोई और एसेट्स भी हमारे आ सकते हैं इसलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए नेक्स्ट है हमारे पास संडी डेटर इंक्लूडिंग अ बैड डेट्स ऑफ रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड द रेस्ट वर रिलाइज्ड सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट अब जितने के संडी डेटर थे उसमें से वन थाउजेंड टू हंड्रेड के तो हो गए बैड डेट और जो बाकी के रिलाइज किए हैं वो भी डिस्काउंट पर किए हैं ठीक है तो संडी डेटर की हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन आ, सिंपल सी तो लिखे कैसे करनी है छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं संड्री डेटर्स बैलेंस कितना है हमारे पास सेवेंटी वन थाउजेंड उसमें से लेस कर दीजिए बैड डेट्स वन थाउजेंड टू हंड्रेड के तो ये हमारे पास बैलेंस निकल के आया अब वो आया है सिक्सटी नाइन एट हंड्रेड ठीक है इसमें से लेस कर दीजिए डिस्काउंट एट द रेट टेन परसेंट तो ये बन गया सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी रुपीज तो जब टेन परसेंट हमने लेस किया तो नेट जो हमने रिसीव हुआ है वो है सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ओके नेट अमाउंट रिलाइज्ड तो ये हमारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो लिखिए डैश लगाकर बैंक के नीचे ही लिख दीजिए संड्री डैटर्स सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ओके तीन आइटम बैंक के नीचे आएगी मशीनरी फर्नीचर ए फिक्सचर एंड एन, एंड में आ गया संड्री डैटर्स ओके अब उसके बाद हमारे पास स्टॉक बर्थ रुपीज फाइव थाउजेंड टेकन ओवर बाय रेन एंड द रेस्ट रियलाइज एट ट्वेंटी परसेंट अबब द बुक वैल्यू अब पाँच हजार का स्टॉक तो रेन ने टेक ओवर कर लिया है और जो बचा है वो हमने ट्वेंटी परसेंट अबब अब कॉस्ट पर रियलाइज किया है ठीक है इसका भी छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए बैलेंस ऑफ स्टॉक है हमारे पास कितने का देखिए थ्रेडेड थर्टी थाउजेंड का थर्टी थाउजेंड में से लेस कर दीजिए टेकन ओवर बाय रेन कितना है फाइव थाउजेंड तो ये नेट बचा हमारे पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ऐड कर दीजिए ट्वेंटी परसेंट अबब अब कॉस्ट तो ये बन गया कितना अपना फाइव थाउजेंड तो फिर से रिलाइज हो गया हमारा थर्टी थाउजेंड का ही ओके नेट रिलाइज वैल्यू निकली थर्टी थाउजेंट तो डालिए बैंक के नीचे ही डैश लगाकर लिखिए स्टॉक थर्टी थाउजेंड का ओके और बाकी जो रेन ने लिया है वो भी लिख दीजिए नीचे बाय रेन्स कैपिटल अकाउंट डैश लगाकर लिख दीजिए ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टॉक फाइव थाउजेंट ओके क्लाउड ने लिया है प्लांट स्ट्रॉम ने लिया है मोटर कार एंड रेन ने ले लिया स्टॉक ओके नेक्स्ट है हमारे पास द क्रेडिटर फॉर टू थाउजेंड वार अनट्रेसेबल एंड द रेस्ट ऑफ क्रेटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउंग फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट अब क्रेडिटर जितने थे उनमें से दो हजार तो अनट्रेसेबल है वो तो मिल ही नहीं रहे को तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं है हमें और जो दिए भी हैं पैसे उन उन्होंने हमें फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट अलाउ कर दिया है ओके तो इसकी भी छोटी सी कैलकुलेशन बना लीजिए पहले लिखिए बैलेंस ऑफ सेंट्री क्रेडिटर्स कितना आ गया वर्किंग नोट में वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसमें से लेस कर दीजिए अनट्रेसेबल क्रेडिटर्स कितने हैं टू थाउजेंड के ओके तो नेट हमारे पास आ गए वन लैख एटीन थाउजेंड के क्रेडिटर्स ओके और उसमें से लेस कर दीजिए डिस्काउंट एट द रेट फिफ्टीन परसेंट तो डिस्काउंट फिफ्टीन परसेंट लेस किया कितना बन जाएगा ये अमाउंट आया सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड और जब लेस किया तो नेट अमाउंट पेड निकला है हमारा क्रेडिटर को कितना वन लैख थ्री हंड्रेड तो चलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं लिखिए है, टू बैंक डैश लगाकर लिख दीजिए क्रेडिटर्स वन लैख थ्री हंड्रेड रुपीज ओके नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड फाइव थाउजेंड है फाइव थाउजेंड के रियलाइजेशन खर्चे हुए हैं तो वो पे कौन करेगा फॉर्म तो कर दीजिए इनको पे तो लिखिए बैंक के नीचे लिख दीजिए डेबिट साइड डैश लगाकर एक्सपेंसेस क्रेडिट के नीचे आ जाएगा कितना फाइव थाउजेंड ओके तो ये हमारी पेमेंट गई है और अगर आप दोनों ही अंदर लिखते हो वन लैक थ्री हंड्रेड और उसमें थ्री फाइव हंड्रेड थाउजेंड प्लस करते हो तो टोटल आपका आ जाएगा वन लैख फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड अमाउंट वाले कॉलम में सेम भी साइड हो जाएगा ठीक है अगर लगाना है तो बार सेपरेट सेपरेट लिखने हैं तो कोई इशू नहीं है लिख भी सकते हो तो चलिए अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग हमारे रियलाइजेशन uh, अकाउंट की बाकी तो हमने कोई और ट्रीटमेंट करना नहीं है सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं तो चलिए फिर बैलेंसिंग करते हैं और तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट से टोटल है हमारे पास थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड क्रेडिट का टोटल है थ्री लैख ,82, एटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ओके तो अब जब बैलेंस कहाँ निकल रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड हमारा बैलेंस निकल रहा है कितना ट्वेंटी सिक्स फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज तो क्या निकल रहा है ये लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्लाउड स्ट्रोम एंड रेन इन रेशियो फाइव थ्री टू तो 26520 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 किया तो ये निकला 13260 हमारा क्लाउड का आ जाएगा और स्ट्रोम का शेयर आ जाएगा 26520 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 किया तो ये निकला 7956 और सेम वे रेन का आ जाएगा 26520 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 किया तो ये निकला 5304 ओके तो चलिए ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट अब हम प्रपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस प्रॉडम तो बैलेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट के क्लाउड का है सिक्सटी थाउजेंड स्ट्रोम का है फोर्टी थाउजेंड रेन का है थर्टी थाउजेंड तो एज इट इज लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लाउड के कॉलम में लिख दीजिए सिक्सटी थाउजेंड स्ट्रॉम के कॉलम में आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड एंड रेन के कॉलम में आ जाएगा थर्टी थाउजेंड ओके अब इसके साथ में साथ हमें करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस दिए हुए हैं वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे क्लाउड एंड स्ट्रॉम का तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड डाल देंगे और रेन का है डेबिट बैलेंस उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो लिखिए फिर बाय करंट अकाउंट क्लाउड का बैलेंस है एट थाउजेंड तो एट थाउजेंड लिख दीजिए स्ट्रॉग का है टेन थाउजेंड क्रेडिट वो भी क्रेडिट साइड लिख दीजिए टेन थाउजेंड और रेन का है डेबिट बैलेंस थ्री थाउजेंड तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं तो लिखिए टू करंट अकाउंट रेन के कॉलम में लिख दीजिए थ्री थाउजेंट ओके और उसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है तीनों ही पार्टनर्स ने एक एक, एक एसेट्स टेक ओवर किया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं कॉमनली टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट टेकन ओवर क्लाउड ने किया है फोर्टी फाइव थाउजेंड का प्लांट टेक ओवर स्ट्रॉम ने किया है थर्टी थाउजेंड का मोटर कार टेक ओवर और रे ने किया है फाइव थाउजेंड का स्टॉक टेक ओवर तो तीनों अमाउंट डाल दीजिए ओके एसेट के नेम नहीं भी लिखने ना भी लिखे अगर लिखने भी हैं तो नीचे नीचे करते लिखते जाइए तो अमाउंट उसके सामने लिखते जाना ठीक है उसके अलावा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला है जो हमने ट्रांसफर किया है तीनों की कैपिटल को तो वो रिकॉर्ड कर देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्लाउड का आ जाएगा थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी रुपीज एंड स्ट्रॉम का है सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज एंड रेन का है फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर रुपीज ओके तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग तो क्लाउड का डेबिट का टोटल है हमारे पास फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड क्रेडिट साइड का टोटल है एट्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी रुपीज तो इसका बैलेंस निकला है क्रेडिट डेबिट साइड कितना थर्टी तो इसको हम कहाँ डालेंगे टू बैंक अकाउंट में ओके तो सेम बेस्ट रोम का भी कैलकुलेट कर लीजिए डेबिट साइड है थर्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड है फिफ्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज तो इसका बैलेंस भी आएगा हमारा डेबिट साइड ही टू बैंक अकाउंट के सामने लिख दीजिए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज ओके नेक्स्ट रेन का डेबिट में टोटल है एट थाउजेंड एंड क्रेडिट साइड टोटल है थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर रुपीज तो इसका भी बैलेंस निकला कहां पर डेबिट साइड तो लिखिए बैंक अकाउंट के सामने ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर रुपेज ओके तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट आगे बढ़ते हैं और प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बैंक अकाउंट का और सबसे पहले डालेंगे हम बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में हमारे पास फोर्टीन थाउजेंड का तो एज लिख दीजिए फोर्टीन थाउजेंड ओके और नेक्स्ट हम डालेंगे जितने भी हमने एसेट्स कैश में रियलाइज किए हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा है ना बाय बैंक अकाउंट डैश के सभी एसेट लिखे हैं और एज इट इज ही यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो लिखिए डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हमने रियलाइज किया था डैश लगाकर लिखिए मशीनरी सिक्स कितने का है फिफ्टी थाउजेंड का ओके okay. उसके बाद हमने रिलाइज किया था फर्नीचर एंड फिक्सचर फोर्टी थाउजेंड का ओके okay. उसके बाद रिलाइज किया था हमने संड्री डैटर्स कितने के सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ के और लास्ट में हमने किया था स्टॉक का रिलाइज वो है हमारा थर्टी थाउजेंड का ओके okay. तो सेम पे हमने पेमेंट भी की है डेबिट साइड देखिए रिलेशन अकाउंट की टू बैंक में डाले हैं क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस वो भी एज इट इज ही लिख देते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट पहले आ जाएंगे क्रेडिटर्स हमारे वन लैख थ्री हंड्रेड के और एक्सपेंसेस आ जाएंगे फाइव थाउजेंड के ओके और उसके बाद लास्ट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पे ऑफ करना है सभी पार्टनर्स को जितना जितना उनका बैलेंस है तो वो हमने कैलकुलेट किया लिखा है टू बैंक के साथ वो डाल दीजिए तो लिखिए बाय क्लाउड्स कैपिटल अकाउंट थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी रुपीज उसका बैलेंस है बाय स्ट्रोम उसको पे किया है हमने ट्वेंटी बाय रेंज कैपिटल अकाउंट वो है ट्वेंटी ओके तो ये हमारा बैंक अकाउंट भी हो गया है कंप्लीट अब इसका लगा लेते हैं हम टोटल तो टोटल लगाया तो डेबिट साइड का बैंक अकाउंट का टोटल आया हमारे पास और क्रेडिट का टोटल भी है ओके टॉपिक का एंड हम करते हैं यहां पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत अकाल